भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर को अपना कैंडिडेट बनाया है और वे कार्यकर्ताओं के बीच कल रो पड़ी। उन्होंने मालेगांव ब्लास्ट के बाद की कानूनी प्रक्रिया और खुद से हुई पूछताछ का जिक्र करते हुए कहा कि दिन और रात मेरी पिटाई की गई, न खाना देते और न ही सोने, 24 घंटे तक तो पानी भी नहीं दिया और पिटाई की। ये बातें मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि इसके बाद कोई बहन कभी ऐसी पीड़ा से न गुजरे। उन्होंने कहा, इस दौर में मेरे खिलाफ खूब कहा गया, ये वो लोग थे जो देश के दुश्मनों को श्री तथा जी कहकर बुलाते हैं। प्रज्ञा ने दिग्विजय सिंह को अधर्मी भी बताया और उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में कई बार अपनी यातनाओं का जिक्र करते हुए बार बार वे रोने भी लगी, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उनके पीछे भोपाल लोकसभा सीट के प्रभारी और पूर्व विधायक जसवंत सिंह हाड़ा भी रोने लगे। प्रज्ञा ने बताया कि वे मेरा एनकाउंटर भी करना चाहते थे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।